हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज डॉक्टर शुभ्रत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी, जो कि क्लास 11th 9th का एनसीईआरटी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट वी हैव आल्सो डिस्कसिंग आवर क्लास 11 टॉपिक्स, दिस इज वेरी बेसिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। पीपल आर रिसोर्स इन एनी कंट्री बाई इंक्रीजिंग स्किल। हमने जिन लोगों ने पहले से मुझे देखा है और इकोनॉमी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, उसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स की बात की थी, दैट इज पीपल। ओके, जो कि एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बढ़ा जा सकता है, दैट इज बाई इंक्रीजिंग स्किल एंड एबिलिटी। ठीक है, तो जिसको नहीं पता तो उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जैसे कि किसी भी चीज को हम लोग रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, जैसे कि फिजिकल रिसोर्स में सपोज आपका कोई लैंड है, ठीक है, कोई एक जमीन है, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि आप उस पर कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से वो आपका एक नेचुरल रिसोर्स बन गया, सॉरी एक एसेट बन गया, एक रिसोर्स बन गया। नेचुरल रिसोर्स में आपके जैसे पहाड़ है, पर्वत है, वहां से आपको मिनरल्स मिलता है, कई तरह के मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो हो गया नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, उसी तरह से जैसे वाटर है, एयर है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमन आर आल्सो ए रिसोर्स बिकॉज दे विल इंक्रीज ए इनकम। बाय इंक्रीजिंग इनकम द नेशनल इनकम विल इंक्रीज एंड द जीडीपी विल आल्सो ग्रो। सो ह्यूमन इज आल्सो ए रिसोर्स। ठीक है, हाउ इट विल बी रिसोर्स, हमने ह्यूमन रिसोर्स की जब टॉपिक पढ़ी थी, जिसने नहीं पढ़ देखा एक बार वो ह्यूमन रिसोर्स की अगर वीडियो देख लेगा, मैं इसके ऊपर लिंक में दे दूंगा। ठीक है, उसको एक बार देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे ही हम किसी का स्किल बढ़ाते हैं या फिर उसकी हेल्थ अच्छी होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन स्किल वो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कैसे? अगर हम किसी की स्किल बढ़ाते हैं, जैसे कि एक इंसान है, वो एक डेली लेबर है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख लेता है, एक स्किल सीख लेता है, तो अभी वो इलेक्ट्रिशियन की तरह काम कर सकता है। जहां पे वो 200 रुपये मजदूरी पाता था, वहां पे वो 500 रुपये मजदूरी चार्ज कर सकता है, उसके लिए ज्यादा दिन तक काम मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो अपना इनकम बढ़ा सकता है। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग स्किल एंड एबिलिटी वी कैन इंक्रीज द ह्यूमन रिसोर्स इन एनी कंट्री। लाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, इसीलिए अगर ह्यूमन एक रिसोर्स है तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा कंट्री में, उतना ज्यादा रिसोर्स उसमें माना जाएगा, है कि नहीं? व्हेन एग्जिस्ट ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। ठीक है, जैसे जैसे इंसान एजुकेटेड बनेगा, स्किल बढ़ेगा और हेल्थ स्टेटस अच्छा रहेगा, वैसे ही वो अच्छा और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्रीज होगा, उसका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेमेंडसली, गेट जीडीपी हाई। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या है, हमने देखा था एग्रीकल्चर में पिछले कुछ चैप्टर्स में, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप जरूर से देखिएगा। उसमें हमने देखा था आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो बाय यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वी हैव इंक्रीज्ड आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, सरप्लस जब एग्रीकल्चर हुआ, देन आवर फार्मर्स, आवर कल्टीवेटर्स सरप्लसली जो अनाज मिले थे उसको बेचे और उनको ज्यादा पैसा मिला, ज्यादा इकोनॉमी मिली, तो उनकी हालत भी ठीक हुई, उनकी हालत ठीक हुई तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में उनका बढ़ा। ठीक है, तो एजुकेशन एडेड टू क्वालिटी लेबर एडेड ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर हम किसी भी लेबर में एजुकेशन स्किल को ऐड कर दें तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अगर इनकम बढ़ जाती है तो इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, अगर इकोनॉमी ग्रोथ में आता है तो देश की भी ग्रोथ हो जाती है। द वेरियस एक्टिविटी दैट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर सेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्सेट्रा, ये प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, किसी भी चीज को बनाना ये करना वो सेकेंडरी इकोनॉमी में आता है। सॉरी, टर्शियरी में क्या आता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है
वो आता है टर्शियरी में, ठीक है। वुमेन्स जो है हमारी महिलाएं, वो ज्यादातर देखा गया है कि घर के अंदर काम करती हैं, ठीक है, बाहर ज्यादा काम नहीं करती हैं, तो घर के काम के लिए उनको पेमेंट नहीं मिलता है जैसे कि बाहर के कामों के लिए मिलता है, ठीक है। तो वुमेन्स पॉपुलेशन इकोनॉमी में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं हो पाता है, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ एक मेजर डिटरमिनेंट है किसी भी इंडिविजुअल की अर्निंग में। कैसे? जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, अगर पढ़ा लिखा इंसान ज्यादा इनकम कर सकता है, वैसे ही हेल्दी इंसान, अगर कोई बंदा हेल्दी है तो बेहतर इनकम कर सकता है इन कंपैरिजन टू ए इल और अनहेल्दी पर्सन, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यह है, एक सपोज 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और सारी की सारी मजदूरी, डेली मजदूरी कर रहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन कैसी होगी? और एक 1000 लोगों की एक पॉपुलेशन है, वहां पे सब पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्किल्ड वर्कर है, तो वहां की पॉपुलेशन कैसी होगी? आप इमेजिन खुद से कर सकते हैं, है कि नहीं? इल डिपेंड्स ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन। अभी हमने ये बात किया, ठीक है। तो लिटरेसी या एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के लिए, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्व शिक्षा अभियान किया हुआ है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन है। क्या है? कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी या डेथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी होता है, अगर 1 साल के अंदर कई लोगों, कई बच्चों का डेथ हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 लाख लोग, 1 लाख लोग एक पॉपुलेशन में, एक एरिया में रहते हैं, वहां पे सब एजुकेटेड हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है हाउ टू गिव न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाउ टू नर्चर ए चाइल्ड, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है, ठीक है। बट बाई द इलिटरेसी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीजेस। इन्फेंट मतलब क्या होता है? बिलो 1 ईयर बेबी, ठीक है। बर्थ रेट, नंबर ऑफ बेबी, बर्थ रेट किसको कहा जाता है? एक टर्म है, इसको आप समझ लीजिए, ये कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है, कुछ टर्म है जो आगे चल कर इकोनॉमी में बहुत काम आएगा, बर्थ रेट, इन्फर्निटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बर्थ रेट का मतलब ये है, 1000 पॉपुलेशन में एक समय के दौरान कितने बच्चे जन्म हुए, उसी को कहा जाता है बर्थ रेट। डेथ रेट सेम है, 1000 पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोगों का डेथ हुआ, जैसे 1000 लोगों में साल में इतना लोगों का डेथ हुआ, तो उसका डेथ रेट कहा जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता ही है, हमने डिस्कस भी किया हुआ है। बेरोजगारी, व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोगों के पास काम करने की इच्छा हो बट उनके पास काम ही ना हो, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। विलिंग टू वर्क बट डोंट गेट वर्क, और एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब, बोथ रूरल एंड अर्बन, बेरोजगारी तो दोनों जगह है। इन रूरल दैट इज, बेरोजगारी कुछ तरह की है, रूरली दो तरह का बेरोजगारी भी देखने को मिलता है आपको। रूरल एरिया में एक सीजनल बेरोजगारी मिलेगी, जैसे कि जिस समय खेती वेती हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, उस समय तो लोग एंगेज है, बाकी टाइम पे खाली बैठे हुए हैं, वो एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि कभी भी काम ही नहीं मिलता, ठीक है। अर्बन में क्या होता है? मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, अर्बन एरिया में लोग पढ़ लिख लेते हैं, लिटरेट होते हैं, बट फिर भी उनको काम नहीं मिलता, ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, जितना ज्यादा लोग बेकार बैठेगा उतना ज्यादा खराब इकोनॉमी होती जाएगी, ठीक है। बात करते हैं हम पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या है? गरीबी। पीपल हु आर पुअर, लैंडलेस, लेबर इन विलेजेस। देखिए हमने पॉवर्टी की डिस्कशन की है, इसकी भी मैं लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा हमारे चैनल में, वीडियोस में देखेंगे तो पॉवर्टी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पॉवर्टी का मतलब क्या है? पॉवर्टी का मतलब यह है कि जब लोगों को वहां पे प्रॉपर काम नहीं मिलता, उनके पास लैंड नहीं है, किसको हम पॉवर्टी कहेंगे? पुअर कहेंगे, जो जो डेली वेजर हैं, जो झुग्गीज में रहते हैं, ठीक है, ये सब गरीब कहा जाता है। तो अराउंड 270 मिलियन पीपल लिव्स इन पॉवर्टी, ठीक है।
को क्या है, क्यों ये पॉवर्टी में जीते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। इनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, इनके पास नौकरी नहीं है पैसे कमाने के लिए, फैमिली का साइज बहुत बड़ा है, खाने और कमाने वाला एक, खाने वाला 25, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट हैं, हेल्थ खराब रहता है, चाइल्ड लेबर है, हेल्पलेसनेस है, ये सारे कुछ बेसिक रीजंस है। हमने देखा था ह्यूमन कैपिटल डेफिशिएंसी भी है, रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, स्किल की अभाव है, ठीक है, ये सब रीजन है जिसके लिए ये लोग पुअर होते हैं या पॉवर्टी इंक्रीज करता है। महात्मा गांधी एक बार कहते हैं कि डेवलपमेंट हम उसको नहीं कहेंगे कि शहर शहर में डेवलपमेंट हो गया, महात्मा गांधी कहते हैं कि डेवलपमेंट उसको कहेंगे जब गांव का भी एक आदमी सफल जीवन जिए, समृद्ध जीवन जिए, तब हम इसको डेवलप कहेंगे, ठीक है। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पॉवर्टी लोग कैसे देखते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं इलिटरेसी लेवल जितना ज्यादा होगा पॉवर्टी उतना ज्यादा होगा, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के कारण उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, वो जल्दी वीक हो जाते हैं, जल्दी उनको बीमार हो जाते हैं, ये भी एक रीजन है पॉवर्टी होने का, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी सही समय पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाता, ये भी एक रीजन है जिसके लिए लोग बीमार रहते हैं, सही से काम नहीं कर पाते, इनकम रिड्यूस हो जाते हैं और गरीबी में जीते हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, और इतने पॉपुलेशन है लोगों के पास जॉब ही नहीं है, काम करने के लिए नौकरी ही नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए सही पानी नहीं मिलता, सैनिटेशन नहीं है, वगैरह वगैरह, जो कि सोशल प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। हमारे सोशल साइंटिस्ट इसको कहते हैं रीजन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो इसीलिए अगर इतने लोग पॉवर्टी में आते हैं तो पॉवर्टी लाइन एक होता है उसके, हमने ये सबको डिस्कस किया है, मैं लिंक में दे दूंगा पॉवर्टी वाला चैप्टर, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन एक होता है, एक लाइन होता है, एक मार्जिन लाइन होता है, उसके ऊपर वाले को लिए हम एवर पॉवर्टी लाइन कहेंगे, बिलो वाले को हम बिलो पॉवर्टी लाइन कहेंगे। तो क्या है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, रोटी कपड़ा और मकान का, अगर एक बंदा वो उसको सही से ढंग से फुलफिल कर लेता है तो वो एवर पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। इसी के लिए एक मापदंड रखा गया है, अगर एक बंदा एक दिन में इंडिया में रूरल एरिया में 2400 कैलोरी उसको खाने के लिए मिल जाता है तो वो ठीक ठाक है, एवर पॉवर्टी लाइन है। रूरल में अगर 2100 कैलोरी मिल जाता है तो एक बंदा एबव पॉवर्टी लाइन है। उसी तरह से तो ये कहा जाता है कि अगर एक बंदे की ये 2021 2011 और 12 का रिपोर्ट है, अगर किसी बंदे का मंथली इनकम 816 रुपए से ज्यादा है तो वो एबव पॉवर्टी लाइन है। उसी तरह से अगर अर्बन एरिया में किसी बंदे का इनकम 1000 रुपए से ज्यादा है पर मंथ तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ठीक है। और एक 5 लोगों की अगर फैमिली है और पूरी फैमिली की इनकम 4800 से कम है पर मंथ तो वो बीपीएल के अंडर आता है, और एक फैमिली है जो कि 5000 से कम इनकम करती है पूरी फैमिली तो वो बीपीएल से अबव आता है, ठीक है। ऑल सर्वे ये सारा कुछ कौन करता है, वो एनएसएसओ करता है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें, हम अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है अगर किसी का इनकम लेस देन $1 है पर डे तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, ठीक है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन की अगर हम बात करें, देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी धीरे धीरे घट रहा है, ऐसे गवर्नमेंट का भी आंकड़ा कहता है, जैसे कि 45% था 1993-94 में, अब 37 घट के 37.2% हो गया है। 2004 या 5 में जब बीपीएल केम डाउन अबाउट 21%, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है, ये तो हमने गरीब देखा, अति गरीब, अति मतलब वो ग्रुप क्या होता है, वो आर द वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स वो हैं जो कि दोज पीपल इंक्रीज द पॉवर्टी रेट इन सोसाइटी इन मेनी वेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह से एक सोसाइटी को गरीब बनाते हैं। बनाते हैं मतलब क्या है, वो गरीब है तो गरीबी, वो सोसाइटी जहां पे गरीब लोग रहेंगे वो सोसाइटी गरीब होगी, है कि नहीं। तो उस तरह से देखा जाए तो ST ST में 45% जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने को पीने को रहने को कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल लेस नहीं, मतलब वेरी लेस देन द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन बाइंग, ठीक है। फिर सुप्रीम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में 31.5% लोग आते हैं, ठीक है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं।
एग्रीकल्चरल लेबर जो है वो 39% पुअर है, और कल्चरल कैजुअल लेबर जो है वो 32.9% लोग पुअर है या बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में के फ्रीक्वेंट सिग्निफिकेंट डिले या फिर सिग्निफिकेंट डाउन इन पॉवर्टी लाइन में देखा गया है। क्यों? ये लोग एजुकेशनली बहुत समृद्ध हैं, दे आर वेरी मच गुड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अदर थिंग्स। अभी हमने पढ़ा, जो बंदा एजुकेटेड होगा, जो स्किल्ड होगा, उसके लिए पैसे कमाना या फिर ये करना है, पॉवर्टी में से हटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, ये लोग जो है पॉवर्टी में रहते हैं। क्यों? क्यों? बेसिकली ये लोग ज्यादातर जो है खेती पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर में डिपेंड करते हैं, इसीलिए जनरली वो थोड़े से कमजोर रहते हैं। ग्लोबल सिनेरियो अगर हम पॉवर्टी में देखें, तो अभी हमने वर्ल्ड बैंक की बात करी थी, उन्होंने कहा है लेस देन $1.5 अगर कोई एक दिन में कमाता है तो पॉवर्टी लाइन में आता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये 43% हुआ करते थे 1990 में, अब 22% है 2008 में। तो कितना दिन हो गया, 18 साल में वो करीब आधा अपना पॉवर्टी हटा चुके हैं, ठीक है। चाइना और साउथ एशिया भी यही करता है, वो भी इकोनॉमिकली काफी प्लान्स हैं और ग्रोथ वगैरह वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा इन द एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। तो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हमने पिछली बार ये देखा हुआ है, इसको फिर से डिस्कस करने की जरूरत खास नहीं है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, दो चीज करती है, कुछ स्कीम बनाती है जिससे लोगों का इनकम बने या लोगों को कुछ पैसा मिले, और कुछ स्कीम के साथ साथ कुछ सब्सिडाइज भी करती है। अगर कोई अपना स्टार्टअप खोल रहा है, कोई अपना धंधा खुद बिठा रहा है, तो गवर्नमेंट उसको लोन वगैरह देती है। उसी के अंतराल में एक हम देखने को आते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका एम क्या है, प्रत्येक रूरल लोगों को, गांव के विलेज के लोगों को 100 days एम्प्लॉयमेंट देना, 100 दिन के लिए वो कुछ ना कुछ काम देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ काम वो करवाएगा, जिसके लिए मिनिमम वेज जो फिक्स किया गया है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या है कि फिर आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर 1993 में ये डिक्लेयर करते हैं कि हम रोजगार योजना एक चलाएंगे। इसका एम क्या है, तो क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, रूरल हो या अर्बन हो, तो गवर्नमेंट इसको एनकरेज करती है कि आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करिए, अगर शुरू करने में कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, पुअर फैमिलीज को कोई भी एक बिजनेस करने के लिए सब्सिडाइज रेट में पैसा देती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना स्टार्टेड 2000, एम क्या है, ट्रेडिशनल सेंटर एक्सेप्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो हमारे सेंट्रल असिस्टेंस, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज है, हैंडीक्राफ्ट का है, ठीक है, जो जो उनके जो वृत्ति है उसको एनकरेज करती है, प्रोवाइडिंग सम असिस्टेंस। अंत्योदय अन्न योजना है, अन्न के लिए, अन्न मतलब चावल गेहूं जो अनाज है वो दिया जाता है एकदम गरीब से गरीब लोगों को महीने में खाने के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू इराडिकेट, टू स्लो डाउन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेट्रा। सो दोस्तों, दिस इज लर्नर आईएएस, हम लोग हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा नया बना के आते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ रहा हो तो। अगर कोई कमी आपको लगती है, कोई नई चीज टॉपिक पढ़नी है, आधा छूट गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको जरूर देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।